साइबर सिटी गुरुग्राम के बिल्डरों ने सरकार से गुहार लगाते हुए एक बार फिर दिवाली से पहले 4 फ्लोर पर लगे रोक को हटाने की मांग की है। बिल्डरों का कहना है परमिशन के इंतजार में उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना है कि काम रुकने से लाखों लोगों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। 4 फ्लोर की नियमावली को बंद करते हुए 8 महीने बीत चुके हैं। इसके बारे में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपे हुए 4 महीने बीत गए हैं। ऐसे में बिल्डरों की उम्मीद है सरकार दिवाली से पहले उन्हें निर्माण की मंजूरी का तोहफा दे सकती है। गुरुग्राम होम डेवलपर एसोसिएशन से जुड़े हजारों बिल्डर्स और होम डेवलपर यही आस लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्द उनकी समस्या का समाधान करेगी और इमारतों का निर्माण कार्य फिर से नए नक्शों के मुताबिक शुरू हो पाएगी। है कि 4 मंजिल होगा या लोगों में कि 3 मंजिल होगा। और अभी जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और जो आश्वासन भी उन्होंने दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिसीजन को लेकर सरकार बहुत गंभीर भी है और महीने भर के अंदर, ऐसा मैं समझता हूँ, दिवाली से पहले डिसीजन भी आ जाएगा। कि अकेले गुड़गांव में, जैसे अभी डिपार्टमेंट ने भी इस चीज़ को और सरकार ने भी इस चीज़ को माना है कि लगभग 750-800 करोड़ रुपये पिछले कुछ सालों में ही इसे जमा हुआ है। सरकार को भी आज रेवेन्यू खाली IDC, EDC, IDC से ना होकर स्टैम्प ड्यूटी से भी रेवेन्यू मिलता है। बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है ये, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है और साथ साथ लाखों लोगों को इससे रोज़गार भी मिलता है। और वो सब लोग जो कहीं ना कहीं HSVP में अलॉटी हैं या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, वो हर व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है आज इस डिसीजन से वो अफेक्टेड तो रहेगी। थी उन्होंने कमेटी भी बनाई थी क्योंकि पब्लिक भी चाहती है, कुछ लोग चाहते हैं कि स्टेट प्लस फोर ना हो, पब्लिक की डिमांड भी है और कुछ लोग चाहते हैं कि होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई। अब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वो निर्णय लेना चाहते हैं CM साहब। हमें उम्मीद है दिवाली तक वो इस निर्णय को बहाल कर देंगे। जरूरी तो बहुत है, इससे हमारे लाखों लोग इफेक्टिव हैं। हम तो मुख्यमंत्री से यही दरख्वास्त करेंगे, या तो पूरे हरियाणा में खोलें, अगर उनको हरियाणा में खोलने की मजबूरी है, नहीं खोल सकते, तो गुड़गांव फरीदाबाद को तो एटलीस्ट उन्हें अलग रख लेना चाहिए। जैसे NCR में अगर गाड़ी की कोई रूलिंग है वो गुड़गांव फरीदाबाद पे लागू होती है, तो ऐसे ही फ्लोर की रूलिंग भी उनको ऐसे लागू कर देनी चाहिए। गुड़गांव फरीदाबाद को हरियाणा से अलग कर देना चाहिए ताकि ये दिल्ली के साथ चले।